हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग छिन्नक यानी फ्रस्टम के बारे में सीखेंगे कि छिन्नक यानी फ्रस्टम किसे कहते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं और इसकी पहचान क्या है, और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं यानी सूत्र हैं आज हम लोग सब सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो ये हुआ फ्रस्टम यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक इसीलिए इस कहते हैं क्योंकि ये शंकु का कटा हुआ भाग है, और फ्रस्टम जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कटा हुआ। ठीक है, तो कटा हुआ किसका कटा हुआ भाग है, तो आप यहां देखिए अगर हम इसको सीधा लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे खींच देते हैं सीधा, तो ये क्या बन जाता है, ये शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है, शंकु। तो ये शंकु का कटा हुआ भाग है, इसीलिए इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन और हिंदी में कहेंगे शंकु का छिन्नक। तो इसका वक्र पीठ क्षेत्रफल भी होगा, उसका फॉर्मूला भी हमको जानना है, कुल पीठ क्षेत्रफल भी होता है इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और इसका आयतन भी होगा और किस तरह से इसका आयतन निकालेंगे वो भी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देख रहे हैं इसमें क्या है, दो त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या नहीं, एक रेडियस नहीं, दो रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का नीचे का जो है गोलाई बड़ा है, ऊपर का गोलाई छोटा है, तो जब छोटा होगा तो इसका त्रिज्या छोटा होगा और इसका त्रिज्या बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसको आर वन मानेंगे यानी रेडियस वन मानेंगे, और जो छोटा होगा उसको आर टू मानेंगे यानी छोटा रेडियस मानेंगे। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा, ये बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग एच से नोट मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। एच यानी क्या हो गया, हाइट यानी ऊंचाई हो गया। ठीक है, उसी तरह ये जो तिरछा है तो स्लेंट लाइन जो खींचा हुआ है ये स्लेंट हाइट होगा, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ्रस्टम क्या, वक्र पीठ क्षेत्रफल, कुल पीठ क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आर वन चाहिए, आर टू चाहिए, एच चाहिए और एल चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि वक्र पीठ क्षेत्रफल यानी पार्श्व पीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और कुल पीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो किसका लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई, ठीक है, अंडर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है आर वन प्लस आर टू और बाहर में लिख देंगे एल, बाहर में क्या लिख देंगे एल। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, फ्रस्टम का। किसका फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और फ्रस्टम यानी छिन्नक का वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। क्या निकालेंगे, पाई ब्रैकेट के अंदर आर वन प्लस आर टू और बाहर में एल लिख देंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी फ्रस्टम का, किसी भी छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला जिसे कुल या संपूर्ण, कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई, क्या होगा, पाई ब्रैकेट के अंदर आर वन प्लस आर टू, ठीक है, फिर प्लस बाहर में एल लिखेंगे, बाहर में क्या लिखेंगे एल, और उसको यहां नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इधर लिखते थे, पाई आर वन प्लस आर टू बाहर में एल, फिर प्लस पाई आर वन पे स्क्वायर, फिर प्लस पाई आर टू पे स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का यानी टोटल सरफेस एरिया का, किसका, छिन्नक का यानी फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और लास्ट फॉर्मूला बचा, क्या बचा, आयतन, क्या बचा,
आयतन, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम यानी छिन्नक का आयतन क्या होगा, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आप नोट कर लें और याद भी रखें, इसका फॉर्मूला होता है 1/3, क्या होगा, 1/3 पाई एच, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर होगा आर वन पे स्क्वायर प्लस आर टू पे स्क्वायर प्लस आर वन गुने आर टू, ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला है, ये आयतन का है यानी वॉल्यूम का। छिन्नक का आयतन अगर निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, और इस फॉर्मूले से ही आप छिन्नक का, किसी भी छिन्नक का, किसी भी फ्रस्टम का वॉल्यूम यानी आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और बाकी है जो आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आर वन आर टू दिया है, एच दिया है और एल निकालना है तो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, पता नहीं है, हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे। और एच, एच भी मालूम नहीं तो क्या करेंगे, देखेंगे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एच भी निकालने का फॉर्मूला आज हम लोग सीख लेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए पहला, अगर एच निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, एल, पहले क्या सीखेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल बराबर होगा अंडर रूट एच पे स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू पे स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से आप एल निकाल सकते हैं, और अगर एच निकालना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला इस तरह लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू पे स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे आप एल भी निकाल सकते हैं, यानी स्लेंट हाइट निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले से स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं, और अगर हाइट निकालना है सिर्फ, यानी सिर्फ ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई नहीं निकालना है, तिरछी ऊंचाई तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, और खाली ऊंचाई निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, और कुछ इसके आयतन के, इसके वर्कपीस क्षेत्र के फॉर्मूले थे, तो आपने आज देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपना दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में अच्छे से जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।